हेलो स्टूडेंट, मायने में मनीष। मैं इस वीडियो पर डिस्क्राइब करने वाला हूँ एनुअल असेसमेंट 2022 क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन पर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, चूज द करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेन इन विच द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेसेस, कहाँ पर होता है पूर्ण पाचन? तो स्टमक में, माउथ में, स्मॉल इंसेटाइन, लार्ज इंसेटाइन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मॉल इंसेटाइन। वाटर इज मेनली एब्जॉर्ब बाय विच ऑर्गेन? तो आंसर होगा लार्ज इंसेटाइन। अमीबा टेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ विच और ऑर्गेन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका आंसर टिक कर लेंगे। डॉटर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि अमरबेल किसका एग्जाम्पल है? पैरासिटिक। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज डॉटर्स, हिबिकस, पीचर प्लांट, रोज? तो इसका आंसर होगा पीचर प्लांट। उसके बाद व्हाइट लाइट इज मिक्सचर ऑफ हाउ मैनी कलर्स, 5, 7, 3 या 10? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। What color will a seven character disc appear to be when it is rotated rapidly? तो इसका आंसर होगा white। Transport of water in plant take place in, कहाँ, किसके थ्रू होता है? जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा या रूट हेयर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम होता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन विच प्लांट टेक प्लेसेस, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू या रूट हेयर? तो इसका आंसर होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्लांट में किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। एसिड इज सिक्रेटेड इन स्टमक बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसेटिक एसिड? तो इसका आंसर होगा एसिड जो सिक्रेट होता है स्टमक पर, वो कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 3 मार्क्स के यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11th क्वेश्चन, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे। उसके बाद 11th क्वेश्चन, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम क्या होते हैं? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। फर्स्ट, सेकेंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? स्टेट द यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन डेली लाइफ, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ अ डिजायर्ड मेटल ओवर अ मेटल ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं इसको, टू प्रिवेंट कोरिजन यानी कि संरक्षण से बचाव करता है जंग लगने से, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस फ्रिक्शन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेडिएशन। लुब्रिकेंट क्या होता है और इसका यूज क्यों होता है? तो लुब्रिकेंट आर सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, एग्जाम्पल है ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन वाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका आंसर हम लोग किस तरह से मेंशन करेंगे? फॉर अ गिवन टू सरफेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेसर देन दैट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज इट इज द इजी टू मूव द ऑब्जेक्ट विच ऑलरेडी इज मोशन देन द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा 15th क्वेश्चन, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलता है? फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट में स्टार्ट टू मूव और इट्स स्पीड माइट इंक्रीज, अ मूविंग ऑब्जेक्ट में स्टॉप, इट स्पीड माइट डिक्रीज, द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट में बी चेंज, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट में बी चेंज।
उसके बाद प्लांट और एनिमल सेल पर आपको डिफरेंस बताने हैं, तो इस तरह से आपको डिफरेंस लिखना है। और प्लांट सेल इज यूजुअली लार्ज, एनिमल सेल इज कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज, द सेल वॉल इज प्रेजेंट, द सेल वॉल इज एब्सेंट। उसके बाद आपका प्लास्टिड आर प्रेजेंट, प्लास्टिड आर एब्सेंट, न्यूक्लियस इज पेरिहेपल्स, उसके बाद आप द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर्स, लाई ऑन द वन साइड, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। उसके बाद मेन कंपोनेंट ऑफ सेल बताने, तो थ्री कंपोनेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसका आंसर हो जाएगा थ्री मेन कंपोनेंट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। उसके बाद एसिड रेन क्या होते हैं, पोल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाइब्रेटेड इनटू द एयर बाय इंडस्ट्रीज, रिएक्ट विद वाटर वेपर इन एयर टू फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दिस एसिड कम्स डाउन एज रेन, कॉल्ड एसिड रेन। तो इस तरह से आपको डिफाइन करने हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पूरे क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 पूरा सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो पर बताने वाला हूँ, 1 से लेकर पूरा 24 क्वेश्चन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। 19 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम फॉर्मेशन, 19 क्वेश्चन यानी कि पेट्रोल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, पेट्रोल निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस इन अवर डेली लाइफ। उसके बाद आपका 21 से 24 तक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, ईच क्वेश्चन इज 5 मार्क्स। व्हाट इज अ नॉइस पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, उसको आपको बताना है। मेंशन द मेन कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। उसके बाद आपका है 22, डिफरेंस करना है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच डिफरेंसेस लिखना है। और उसके बाद 23, हाउ डू वेट्स अफेक्ट अ ग्रोथ ऑफ क्रॉप, ये 23 पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैनर, ये 24 क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आने वाले 100% ये रियल पेपर है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।